नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं आरसीईआरटी एग्ज़ाम से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो। दोस्तों, हम इस चैनल पर लगातार आरसीईआरटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आरसीईआरटी की बुक्स के अनुसार, तो हम लेसन वाइज सारे वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं और ये आज हमारा 7वां वीडियो है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आरसीईआरटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके सभी वीडियो को जरूर देख लेना। और आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम 6 दिसंबर 2020 तक आरसीईआरटी एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, IBM एस्पेशिया अमेरिका फोजिटिस के कंप्यूटर जापान परम सुपर कंप्यूटर इंडिया किस प्रकार के कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों, इसी एक क्वेश्चन में भी तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परम सुपर कंप्यूटर इंडिया का किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो वो भी सुपर कंप्यूटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, K202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 SDS-92 किस प्रकार कंप्यूटर के उदाहरण है, यानी कि ये किस टाइप के कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं? तो इनका आंसर रहेगा मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य घटक हैं, तो सर्वर भी है, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो इसका यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि Windows 7, तो पेज मेकर, टेलीप्राइम या MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाए भी निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें पेज मेकर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टेलीप्राइम भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है? तो सही आंसर इसका सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 6, डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब प्रोसेसर, स्प्रेड आदि किस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं? तो सही आंसर इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके हम अभी बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर पेरिफेरल्स को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो आउटपुट, इनपुट, इन आउटपुट और उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विशेष फीचर को चालू या बंद करने की के लिए कौन सी कीज का प्रयोग होता है? तो नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, यानी कि उपरोक्त सभी, तो ये किस टाइप की कुंजी होती है? टॉगल कीज। क्वेश्चन नंबर 10, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक कीज को क्या कहते हैं? तो ये टॉगल कीज की कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से फंक्शन कीज के उदाहरण है? तो फंक्शन कीज F1 से लेके जो F12 की होती है कीबोर्ड में, उन्हें हम फंक्शन कीज बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं, तो लाइन प्रिंटर भी एक तरीके का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और करेक्टर प्रिंटर होता है वो भी एक तरीके का इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, ATM से निकलने वाली रसीद की छपाई के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल होता है? तो इसका सही आंसर रह जाएगा थर्मल प्रिंटर। अब क्वेश्चन इसका ये भी बन सकता है भी थर्मल प्रिंटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ATM से निकलने वाली रसीद की छपाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, मॉनिटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो सही आंसर इसका पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 15, WORM डिस्क का पूरा नाम क्या है? WORM यानी कि राइट
वंस रीड मेनी, तो इसका सही आंसर रह जाएगा राइट वंस रीड मेनी। तो क्योंकि जो आंसर होते हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है, राइट वंस रीड मेनी। क्वेश्चन नंबर 16, सीपीयू द्वारा बार बार किस मेमोरी का इस्तेमाल करता है, यानी कि किस मेमोरी का सीपीयू इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, तो सही आंसर इसका डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर 18, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट कीज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सही आंसर इसका फंक्शन को बाधित करने अथवा उसे बाधित करने हेतु सुविधाजनक बनाता है। तो कंट्रोल प्लस एल्ट डिलीट का ये फंक्शन है जो इस वर्ग के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 19, पीसी में संचार संभव करने के हेतु जोड़ने वाली तारों को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर रह जाएगा बस लाइन। क्वेश्चन नंबर 20, क्यूएरटी का प्रयोग किस संदर्भ में होता है, यानी कि क्यूएरटी जो को जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड होते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा कीबोर्ड लेआउट। क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज 10 में सेटिंग ऐप विंडो में से निम्न में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मेनू से संबंधित है, तो सही आंसर इसका ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस कीबोर्ड। तो दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विंडोज 10 में इस्तेमाल तकनीक जो कि रिमोट स्क्रीन या मॉनिटर को वायरलेस से उसकी छवि में परिवर्तित करने की इस्तेमाल होती है, तो इसका सही आंसर रह जाएगा स्क्रीन कास्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा उपकरण जो पाठ और छवि को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने और इसे कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर इसका स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, क्लिप आर्ट भी एमएस वर्ड का संबंध रखता है, हेडर व फुटर भी संबंध रखता है, बुकमार्क व हाइपरलिंक भी एमएस वर्ड से संबंधित होता है, तो यानी कि सही आंसर है इसका प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन किससे संबंध रखता है, एमएस पावर पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प है, यानी कि इंटरनेट की जो स्पीड होती है हम किस में मापते हैं, केबीपीएस में भी नाप सकते हैं, एमबीपीएस में नाप सकते हैं और जीबीपीएस में भी नाप सकते हैं, इसकी इकाई होती है इंटरनेट की स्पीड को चेक करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा प्रिंटर हेड से स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव करके पृष्ठ की छवि बनाता है, तो सही आंसर इसका इंक जेट प्रिंटर, जो कि ये ज्यादातर कलर फोटो स्टूडियो वगैरह के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जो विंडो 10 के साथ लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर इसका कोर्टाना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है, तो हम ऑनलाइन भुगतान या डिजिटल भुगतान नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी हम कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के भी थ्रू कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचाने वाली योजना का नाम है, तो वो नाम है जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल कहलाती है, सही आंसर इसका एक्टिव सेल। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसके बिना कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं कर सकती है, तो सही आंसर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कार्य नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है, पासवर्ड अटैक भी हो सकता है, फिशिंग भी हो सकता है और ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा का संरक्षण करना और डाटा का भेजना, यानी कि ये डाटा प्रोसेसिंग के अंडर में आते हैं, तो इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को कहते हैं, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है इसे हम वारम बूटिंग
इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB किसके बराबर होता है? तो सही आंसर 1024 बाइट के बराबर में 1 किलोबाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट के संदर्भ में HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों जहां भी आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो उस फुल फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए होते हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। तो इसलिए हमें आंसर को भी बिल्कुल केयरफुली ध्यान में रखना है और उसका जो क्वेश्चन है उसे भी अच्छी तरीके से समझना है भी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, ROM यानी कि रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर रीड ओनली मेमोरी। आप देख सकते हो इसमें जो ऑप्शन है बिल्कुल मिलते जुलते सही है, तो इसलिए हमें कोई जल्दबाजी के अंदर कोई आंसर नहीं करना है, बिल्कुल केयरफुली ध्यान से इसको देखते हुए सही इसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 40, गूगल ड्राइव में हम कितने GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर 15 GB तक। क्वेश्चन नंबर 41, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है? सही आंसर इसका सब डायरेक्टरी, यानी कि जब फोल्डर के अंदर फोल्डर बनते हैं या किसी फोल्डर है उसके अंदर फाइल फिर फाइल बनती है तो उसे सब डायरेक्टरी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के प्रोसेसर का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रोसेसर कंप्यूटर का, यानी कि एक एंड्रॉयड ऑप्शन होता है जो कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है, ये एक मोबाइल के प्रोसेसर का प्रकार है। तो जो आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के प्रोसेसर का प्रकार नहीं है? तो ये एंड्रॉयड हो जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल के प्रोसेसर का होता है, जबकि ड्यूल कोर कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, सेलरॉन भी कंप्यूटर के प्रोसेसर होता है, और इंटेल कोर i5, i6, i7, i8 भी कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, MS Excel में चयनित सेल्स का फिल्टरिंग किया जाता है, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो सही आंसर इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से प्रिंटर का प्रकार है, यानी कि प्रिंटर किस टाइप का डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 45, ISP का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ISP का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो सही आंसर इसका गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स, ये सारे ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विंडोज 10 में कौन सा वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोर से बदल दिया गया है? तो इसका सही आंसर माइक्रोसॉफ्ट एज। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर में फाइल्स की लोकेशन और ड्राइव कहाँ दिखाता है? तो इसका सही आंसर विंडोज एक्सप्लोरर में। क्वेश्चन नंबर 49, विभिन्न टैब्स पर कमांड को संगठित करना और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्यों के लिए कमांड्स के समूह बनाता है? तो सही आंसर इसका रिबन। क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में से निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजाइन। तो दोस्तों ये थे आज के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि 6 दिसंबर को एग्जाम है, टाइम बहुत कम है, इसलिए हम चाहते हैं भी हर स्टूडेंट की इसकी हेल्प मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।